दोस्तों 15 सितंबर 2024 सुबह लगभग 5:45 पर अक्षत घर के साथ जो दुर्घटना हुई है ये हम सबके सामने है। अब तक सोशल मीडिया पर तमाम वीडियोस आपने देख लिए होंगे और देख करके आपको बहुत ज्यादा दुख हुआ होगा, लेकिन ये दुख तब और ज्यादा बढ़ जाता है जब आपको पता चलता है कि इस दुर्घटना का जो मेन दोषी है उसे जमानत मिल गई है। यानी कि इस देश का कानून कुछ इस तरीके का है कि ये सजा आप कातिल को नहीं बल्कि उसके हथियारों को देंगे, क्योंकि उस कार को तो जब्त किया जा चुका है लेकिन चालक अब पूरी तरीके से बाहर है, जिसमें सबसे बड़ी गलती भी इस कार चालक की थी क्योंकि वो रॉन्ग साइड पर था। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इसकी ये गलती ऐसी पहली बार नहीं है बल्कि ऐसी कई घटनाएं और कई चालान इस व्यक्ति के ऊपर पहले किए जा चुके हैं। आइए इस पूरी घटना को समझते हैं। पीड़िता की माँ ने आरोपी को लेकर के क्या बयान दिए हैं और क्यों लोगों के अंदर गुस्सा है, लेकिन उससे पहले इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि यदि आपके आसपास भी ऐसी कोई घटना होती है तो आप हमें डिटेल्स भेज सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपकी जिम्मेदारी है कि उस व्यक्ति की मदद की जाए और उसकी जान बचाने की कोशिश की जाए। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये घटना तो 15 सितंबर 2024 की थी, लेकिन इसने पिछले 2 दिनों में बहुत ज्यादा हेडलाइंस बनानी शुरू कर दी, क्योंकि जब इसके वीडियोस सामने आए तब जाकर के लोगों ने जस्टिस की मांग रखनी शुरू कर दी। फिलहाल ये दुर्घटना गोल्फ कोर्स रोड गुरुग्राम DLF फेज 2 की तरफ देखने को मिली है और यहाँ पर अक्षत गर्ग अपने दोस्तों के साथ बाइक पर सवारी कर रहे थे। कहा यह भी जा रहा है कि ये ओवर स्पीडिंग कर रहे थे लेकिन ये अपनी लेन में ही थे, लेकिन अचानक से एक मोड़ आता है। मोड़ पर महिंद्रा XUV अचानक से सामने आ जाती है और एक मोड़ ऐसी जगह पर था जहाँ न बाइक वाले ने कार को देखा न कार वाले ने बाइक को और अचानक से घटना हो गई। जैसा ही टक्कर लगती है अक्षत गर्ग उड़ करके काफी दूर गिरते हैं और कुछ ही सेकंड्स के भीतर इस दुर्घटना में अक्षत की मौत हो गई। लेकिन अब आपको इस देश के कानून से जुड़े हुए कुछ बहुत ही अजीब चीजें देखने को मिलेंगी। असल में अक्षत के दोस्त अपने बाइक के हेलमेट पर एक GoPro कैमरा लगा करके जा रहे थे जहाँ पर ये पूरी दुर्घटना कैद हो गई। कैद हुई इन फुटेज को जब पुलिस के सामने सबूत के तौर पर रखा गया तो पुलिस ने इस वीडियो विजुअल्स को रिपोर्ट्स की तरह नहीं लिया, उसे सबूत की तरह नहीं देखा गया और मामले को जल्द से जल्द सुलटाने की कोशिश की गई। लेकिन कुछ समय बाद सभी चीजों के चलते उस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया जिसकी ये कार थी, और तब पता चलता है कि जिस कार से दुर्घटना हुई है उस कार चालक के ऊपर पहले भी कई चालान किए जा चुके हैं। करीब 20,000 रुपए के चालान थे क्योंकि ये कई बार रॉन्ग साइड में ड्राइविंग करते हुए पकड़ा गया है। लेकिन जब अक्षत की मां रेखा गर्ग ने आरोपी चालक की तुरंत उसको जमानत मिल गई, इस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आरोपी को इतनी जल्दी कैसे छोड़ दिया गया जबकि पूरी गलती उसी के साफ नजर आ रही है। ऐसा कानून क्यों है जहां पर तुरंत जमानत मिल जाए, कोई व्यक्ति की जान ले ले और फिर भी उसे जमानत मिल पाए। और इस तरीके के कानून वाकई दुख पहुंचाते हैं। जब पुलिस के सामने वीडियोस जाती हैं तब वो एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन कुछ समय बाद वीडियो को सबूत के रूप में देखा गया और उस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया। फिलहाल ये व्यक्ति जमानत पर है। और आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, और यदि आप भी ऐसी कोई घटना के बारे में जानते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज जरूर कीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।